जेल में बंद मोहम्मद साहबुद्दीन जी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि उन्हें तिहाड़ जेल में पूरी तरह से अलग रखा गया है और नमाज अदा करने की जगह सहित बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति बी आर गवई और सूर्यकांत की पीठ ने सॉलिटर जनरल तुषार मेहता से साहबुद्दीन की शिकायतों पर गौर करने के लिए कहा, जो 2004 के दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे और 2 सप्ताह के बाद मामले को पोस्ट किया गया। साहबुद्दीन जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्हें जेल परिसर में घूमने दिया जाए। राष्ट्रीय जनता दल राजद के पूर्व नेता को बिहार के सिवान जेल से शीर्ष अदालत ने 2018 में तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया। उन्हें एक हिस्ट्री सीटर टाइप ए के रूप में घोषित किया गया या जो सुधार से परे है और 2 बार विधानसभा के सदस्य और 4 बार संसद सदस्य रहे। साहबुद्दीन ने पिछले साल 30 अगस्त के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसने उन्हें कथित एकांत कारावास से राहत देने, प्रार्थना की जगह देने और जेल में अन्य सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने साहबुद्दीन के इस तर्क से सहमत होने से इनकार कर दिया कि उन्हें एकांत कारावास में ये कहते हुए रखा गया है कि उन्हें एक अलग ब्लॉक में रखा गया है, न कि एकांत कारावास में। शीर्ष अदालत ने 15 फरवरी 2018 को साहबुद्दीन को स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जो अब बिहार के सिवान जेल से तिहाड़ तक 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा।